नमस्कार, मैं सचिन दुबे, आप सभी दर्शकों का इंडियन सिटीजन टीवी में स्वागत है। रक्तदान महादान कहा गया है क्योंकि रक्त कभी भी बनाया नहीं जा सकता, रक्त को हमेशा दान ही किया जा सकता है। रक्तदान को लेकर मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के अंतर्गत आने वाले परिमंडल वन या जोन वन कहा जा सकता है, जोन वन में आने वाले नया नगर पुलिस स्टेशन में आज मीरा रोड के कम्युनिटी हॉल जो कहा जा सकता है, जहां पर कम्युनिटी की मीटिंग ली जाती है, वहां पर आज ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर लोग आ रहे हैं, पुलिसकर्मी जो हैं वो भी आ रहे हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए। और बाहर मैं कैमरामैन से कहूंगा कि बाहर दिखाएं किस तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है यहां पर ब्लड डोनेशन में आने के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए। ये एक बहुत अच्छी पहल मानी जा रही है नया नगर पुलिस की टीम के द्वारा कि जो उन्होंने इस तरीके का कैंप का आयोजन किया है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नया नगर की टीम को बधाई दे रहे हैं कि वो इस तरीके का जो कार्यक्रम है वो आयोजित करते रहे, जिससे समाज में जो एक मैसेज है वो अच्छा मैसेज जाए। देखिए, मीरा भाईंदर शहर में ब्लड बैंक में ब्लड की कमी है, इस तरीके की जानकारी हमें प्राप्त हुई। बारिश का सीजन है, कोविड कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है, उसमें स्वाइन फ्लू का भी पेशेंट्स हमें दिख रहे हैं, डेंगू है, मलेरिया है, ऐसे वक्त पेशेंट्स को ब्लड की जरूरत पड़ती है। ब्लड की कमी होने की वजह से हमारे पुलिस आयुक्त माननीय सदानंद दाते सर ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि ब्लड डोनेशन का कैंप जो है हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम जिस तरीके से पुलिस संभाल रही है मीरा भाईंदर में, वसई विरार में, उसी तरीके से सामाजिक दायित्व जो है अपना, इसको मद्देनजर रखते हुए ब्लड डोनेशन का कैंप भी हमने ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ब्लड डोनेट करना चाहिए जिससे जिसको जरूरतमंद लोग हैं उनकी जान जो है मुश्किल समय में बचाई जा सके। आज यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे काफ़ी जोन वन के पुलिस ऑफिसर्स, हमारे कॉन्स्टेबल्स, सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के कॉन्स्टेबल्स है और नागरिक भी है, जिसमें मोहल्ला कमेटी, शांतता कमेटी, पुलिस मित्र, जो लोग पुलिस को हमेशा हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों ने भी आज ब्लड डोनेशन कैंप में हिस्सा लिया है, अपना सहभाग दिया है। हमें उम्मीद है कि आते हुए समय में एक भी जान मीरा भाईंदर में ब्लड की कमी की वजह से ना जाए और जितना हो सके पुलिस इसके लिए इसमें काम में मदद करने के लिए कटिबद्ध है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने के खुशी में हम लोगों ने हमारे आदरणीय CP सर सदानंद दाते जी, इनके मार्गदर्शन पे जोन वन के हमारे DCP साहब के कहने के ऊपर जोन वन में हमने पुलिस डिपार्टमेंट का रक्तदान शिविर रखा है। इसमें काफ़ी हमारे यहाँ पे सिविलियन भी शामिल हो रहे हैं और आज की तारीख में हम लोग कम से कम 150 बोतल इकट्ठा करने का हमने सोचा है। यही तो हमको मैसेज देना है कि जो ब्लड देता है वो हिंदू है या मुस्लिम है, ये किसी को पता नहीं चलता है जिसको ब्लड दिया जाएगा, लेकिन उसकी जान बच जाएगी तभी उसको ये पता चल जाएगा कि ब्लड मुझे किसने दिया है। मेरा ब्लड जिसको ही जाएगा उसकी वजह से उसकी जान बचेगी, ये मेरे को मालूम है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के वजह से ये ब्लड डोनेशन कैंप नया नगर पुलिस स्टेशन और माननीय पुलिस उपायुक्त काले साहब इनके मार्गदर्शन में और यहाँ पर रखा गया हुआ है, जिसमें सभी पुलिस लोग, जितने भी पुलिस है, मैक्सिमम ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उनकी तादाद 150 से ज़्यादा ब्लड डोनेशन होगी। उसके साथ साथ ही हमारे जो पुलिस मित्र हैं इन्होंने भी सहभाग लिया हुआ है और पुलिस मित्र भी ब्लड डोनेशन करने वाले हैं और पब्लिक में भी हमने मैसेज दिया हुआ है, जिसकी वजह से आपको पब्लिक आती हुई नज़र दिखाई दे रही होगी और पब्लिक भी बड़े पैमाने पर डोनेशन कर रही है आज, जिसके वजह से ये एक तरफ से एकता का संदेश पुलिसों के मार्फत जा रहा है, जो जनता में हम सब एक है ये संदेश जा रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। आज मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के सभी इनके साथ तो आज यहाँ पे बड़े पैमाने पे ये ब्लड डोनेशन कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। भाईंदर मेडिकल एसोसिएशन का इस साल का ये एसोसिएशन का चौथा ब्लड डोनेशन कैंप है और हमें खुशी है कि ये कैंप हम पुलिस कर्मियों के साथ कर रहे हैं। ब्लड आप पैदा नहीं कर सकते लेबोरेटरी में, ब्लड के लिए आदमी ही आदमी को दे सकता है। तो जब भी हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं कभी भी, तो उससे अपने शरीर को कोई नुकसान नहीं होता है, बशर्ते आप हेल्दी हो, और हेल्दी है कि नहीं है वो डॉक्टर लोग डिसाइड करते हैं।
ब्लड डोनेट करने से आपके अंदर फिर से ब्लड आता है, ताजा ब्लड आता है, अच्छा ब्लड आता है। और अगर ब्लड डोनेट कोई नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक वो खत्म हो जाता है अपने बॉडी में, ये कोई स्टैटिक नहीं है, ये बदलता रहता है ब्लड अपना। तो ब्लड डोनेट करने के बहुत फायदे हैं, आदमी हेल्दी रहता है। सर ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है सोसाइटी के लिए, क्योंकि हमेशा जब ब्लड लगता है, चाहे एक्सीडेंट पेशेंट को, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग वाले पेशेंट्स को, तो एक बोतल से नहीं लगता है, दो तीन चार पाँच पाँच बोतल लग जाते हैं एक पेशेंट की जान बचाने के लिए। और ब्लड बैंक में ब्लड हम हमेशा के लिए स्टोर नहीं कर सकते, वो या तो यूज़ होगा या तो उसकी एक्सपायरी खत्म हो गई तो फेंक दी जाएगी, तो हमेशा रिप्लेस होना ज़रूरी है। और एक ब्लड डोनेशन कैंप ही एक माध्यम है जिससे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं टाइम टाइम पे, ताकि ब्लड बैंक में पर्याप्त मात्रा में ब्लड अवेलेबल रहे और पेशेंट की जान को बचाया जा सके। ये बहुत ही बड़ा काम रक्तदान महादान, मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम में भाग लें। यहाँ पे मीरा भाईंदर में मैंने चुन के भी अच्छा लगा, और मेरे साथ हितेश सिंह है युवासेना, और उनकी मिसेज भी कृतिका सिंह, और इन लोगों ने भी डोनेशन किया है। ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, यहाँ पे भारी मात्रा में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम आकांक्षा जी के कार्यकर्ता है और हम सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे, सारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे ब्लड डोनेट किया है। तो आपने देखा कि जितने भी लोगों से हमने बात की, उन सभी का यही मानना था कि ब्लड डोनेट करना, ब्लड दान करना सबसे बड़ा दान माना जाता है। और साथ ही आज यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्कूली जो कॉलेज के छात्र हैं उन्होंने भी इस ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और साथ ही लोगों ने आवाहन किया है, जो पुलिस के कर्मचारी थे, स्थानीय लोग थे, उन्होंने आवाहन किया है कि इस तरीके का कहीं भी अगर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है तो आप सभी को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे इंडियन सिटीजन टीवी पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे।